भाई ये जो किस्सा है ये ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के अंदर S4 के डब्बे के अंदर ये किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस ट्रेन इस डब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15, दोपहर को 1:30 और शाम को 5:15 ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया, फिर भी मेरे को आया था, मैं जाने दो बोला। अभी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना इधर से, हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। तब मैं बोला भाई मैं जाऊँगा, छोड़ा नहीं मेरे को। तब मैंने क्या किया, उनका नमाज जैसा हो गया मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम लेते रह गया। कोई भी बंदा आने आ जाओ वही वाला, इनका नमाज जब चलता है तुम लोगों को रोकने का हिम्मत तो नहीं होता है। और मैं इधर मेरा भी अपना नमाज शुरू कर रहा हूँ, मेरा वो मैं शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 2-3 मिनट किया, उसके बीच में जो पेंट्री कार के जो 3-4 लोग है उन्होंने आके मेरा इस प्रकार हालत बना दिया और ये मेरे को मार दिया। और उस समय ये मुस्लिम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे और उन्होंने उल्टा मेरे को बोल रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं बोला क्यों भाई रास्ता छोड़ना, ये इनका चेहरा मैं दिखाता हूँ, ये लोग है, ये कहाँ अंदर आया, केरला क्या है पता नहीं। ये सवेरे से लेके 3 बार इनका हो गया और इस प्रकार ये ट्रेन के अंदर लोग है, ये ट्रेन के अंदर लोग है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे को आके पीट के जाने के बाद इधर आ गया जो इसका जो सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफिसर रहता है, कौन रहता है वो पता नहीं, वो आके ये आके फिर मेरे को समझा के फिर बोला आगे जाके ट्रेन रोकेंगे। इस प्रकार ये कार्रवाई चल रहा है हमारे ऑल इंडिया के हर एक ट्रेन में चल रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि साले को बात करता हूँ क्या, ये तालिबान चल रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रकार ये बात हो रहा है, हमने कैसा उतरना और कैसा जाना, हमारे बच्चों को पेशाब आ गया, ट्रेन से उतरना है, किसी को कोई इधर ये नहीं। मार दो मेरे को,